दोस्तों, अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में चल रहा है या फिर अंडर रिव्यू में जाने वाला है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपका मोनेटाइजेशन जल्दी एनेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों, टिप नंबर वन, हमेशा अपने टाइटल को छोटा रखें। जी हाँ दोस्तों, टाइटल को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाएं और ना ही उसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करें। जैसे कि आपने हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में लिख दिया, तो इस तरह गलतियाँ ना करें, या तो फिर हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, और टाइटल को हमेशा छोटा रखें। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ कुछ लिख देते हैं, बेल आइकन दबाए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये चैनल है, लिंक भी दे देते हैं बहुत सारे। तो ऐसा आपको नहीं करना है जब तक कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता। तो इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले आपको लिखना है कि अबाउट द वीडियो, कि इस वीडियो में हमने क्या बताया है। तो उस वीडियो के बारे में आपको दो तीन लाइन लिखनी है, उस वीडियो के जो किस रिलेटेड है, तो उससे दो तीन लाइन लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद एक हैशटैग लगाकर अपने चैनल का नाम। इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद बात आती है टैग्स की। तो टैग्स के अंदर आपको क्या लिखना है, टैग्स के अंदर आपको सिंपली उस वीडियो का वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें लिखनी है। मान लीजिए आपकी वीडियो है कि किसी फ़ोन के अनबॉक्सिंग के बारे में है, जैसे कि रेडमी नोट 7 प्रो। तो आपको सिंपली सिर्फ इतना लिखना है, रेडमी नोट 7 प्रो अनबॉक्सिंग। ज़्यादा टैक्स आपको वहाँ पर नहीं भरने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जब तक उनकी लिमिट ख़त्म नहीं होती है टैक्स की, तब तक उनको भरे जाते हैं। सिर्फ आपको दो या तीन टैक्स लगाने हैं वहाँ पर, ज़्यादा टैक्स नहीं लगाने हैं, वरना यूट्यूब मानेगा कि यह बंदा व्यूज़ के लिए स्पैम तरीका अपना रहा है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं थंबनेल की। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाना है, क्योंकि ये स्पैम में आता है। तो सिर्फ सिंपल सा थंबनेल आपको वहाँ पर लगाना है। सिंपल सा थंबनेल आपको 1280x720 पिक्सल पे रेजोल्यूशन पे। तो वीडियो क्वालिटी पे अच्छा ध्यान रखिए, वीडियो क्वालिटी हमेशा फुल एचडी में एक्सपोर्ट कीजिए, और ऑडियो के लिए हमेशा माइक यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी बंदा रिव्यू करता है आपके चैनल को, यूट्यूब का एम्प्लॉय, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपके चैनल पर जाके आपकी वीडियो को देखता है और देखता है कि क्वालिटी कैसी है और आपका कंटेंट आपका खुद का है या नहीं है। तो ये सब कुछ टिप्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।